भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? मैं देख रहा था वहां पे पोस्टर पे लिखा है संविधान सम्मान सम्मेलन, मगर सच्चाई ये है, सम्मान सम्मेलन तो है मगर आज संविधान की रक्षा की जरूरत है। सिर्फ सम्मान से बात नहीं बनेगी, हम सम्मान करें और उसकी रक्षा ना करें तो सम्मान करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उस पर आक्रमण हो रहा है। जबरदस्त आक्रमण हो रहा है चारों तरफ से, आक्रमण हो रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति, मोदी जी, अमित शाह जी, सिर्फ एक दो व्यक्ति आक्रमण नहीं कर रहे हैं, अलग अलग फोर्सेस, अलग अलग शक्तियां इस पर आक्रमण कर रही हैं। कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई साइड से, कोई ऊपर से, और इनका लक्ष्य है कि संविधान किसी ना किसी तरीके से या खत्म हो जाए या फिर खोखला बना दिया जाए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये आप अपने हाथ में पकड़े हैं, उठाइए इसको जरा, ये कब बना, ये कब बना? ১৯৫০? हाँ, किस साल बना ये? एक व्यक्ति बोलिए, एक व्यक्ति बोलिए, आप बोलिए। 1949, कोई कह रहा है 1950, कोई कह रहा है 1949, कोई कह रहा है 1947। ठीक है, तो मैं आपसे अब दूसरा सवाल पूछता हूं, अगर बिरसा मुंडा जी नहीं होते तो ये बनता? अगर नारायण गुरु जी नहीं होते तो ये बनता? अगर बसवाना जी नहीं होते तो ये बनता? अंबेडकर जी नहीं होते तो ये बनता? बुद्ध भगवान नहीं होते तो ये बनता? गुरु नानक नहीं होते तो ये बनता? तो ये कितना पुराना है? 500 साल। आपने कहा कि ये 50 साल पुराना है, 70 साल पुराना है, मगर ये 50 साल पुराना नहीं है, ये 70 साल पुराना नहीं है। ये इसके पीछे जो सोच है वो हजारों साल पुरानी सोच है। और सबसे पहले ये गुरु नानक जी, बिरसा मुंडा जी, अंबेडकर जी, गांधी जी, बसवना, नारायण गुरु, बुद्ध भगवान, उनकी सोच ने बनाया है। और ये जो लड़ाई चल रही है ये 50-70 साल पुरानी लड़ाई नहीं है, ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन बिरसा मुंडा जी की सोच का है, गुरु नानक, महावीर, बुद्ध भगवान, महावीर जी, अगर ये इनकी सोच का है तो इसके विरोध में कौन सी किताब है? मनुस्मृति। ये जो लड़ाई चल रही है, और आपको ये गहराई से समझना होगा,
ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन और मनुस्मृति के बीच में लड़ाई चल रही है, और यह नई लड़ाई नहीं है, यह हजारों सालों से लड़ाई चल रही है। अंबेडकर जी ने कहा एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। कहा तो जब वो कह रहे हैं एजुकेट, एजुकेट का मतलब क्या? हाँ, किस चीज के बारे में? सिर्फ अपने संविधान को जानो, अपने हक को जानो, और मान लीजिए अगर एक युवा आज फिजिक्स बहुत अच्छी तरह समझ जाए, क्या अंबेडकर जी उसे एजुकेटेड कहते? क्यों नहीं? हाँ, अंबेडकर जी का मतलब यह था, एजुकेट का मतलब यह है कि आप कौन हो, आप कहां खड़े हो, आपके चारों ओर क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, एजुकेट का यह मतलब है। एजुकेट का मतलब यह नहीं कि आप कॉलेज में चले गए, आपने फिजिक्स की डिग्री ले ली, आपको अपना इतिहास नहीं मालूम, आपको अपनी हिस्ट्री नहीं मालूम, आपको अपनी समाज में जगह नहीं मालूम, तब आप एजुकेटेड नहीं हो। अब आज क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। जब बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका जो इतिहास है, आपका जीने का तरीका है, आपकी फिलॉसफी है, आपकी साइंस है, मेडिकल साइंस है, जिसको आप हजारों साल से चला रहे हो, उसको वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि देखिए, आदिवासी का मतलब क्या? आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। वनवासी का क्या मतलब है? जो जंगल में रहते हैं। देखिए फर्क, देखिए, मान लीजिए यहां पे आप लोग बैठे हो और ऑडिटोरियम में आप सबसे पहले आए, ऑडिटोरियम आपने बनाया, ऑडिटोरियम की जमीन आपकी, और मैंने आपसे कहा भैया आप वनवासी हो, इसका क्या मतलब है? जंगल में जाओ, ऑडिटोरियम तुम्हारा नहीं है, इसका यह मतलब है। तो जब ये शब्द का प्रयोग करते हैं, आदिवासी वनवासी, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये आपकी पूरी हिस्ट्री है। मैं हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा हूं, स्कूलिंग मेरी पूरी हिंदुस्तान में हुई, पूरा का पूरा जोड़ दीजिए तो आदिवासियों के बारे में आधा चैप्टर मिलेगा, 10-15 लाइन मिलेंगी कि हां हिंदुस्तान में आदिवासी भी हैं, मगर इनकी हिस्ट्री क्या है, इनके जीने का तरीका क्या है, इनके सोचने का तरीका क्या है, इनकी साइंस क्या है, इनकी पॉलिटिक्स क्या है, उसके बारे में कुछ नहीं। मैं हिंदुस्तान के सिस्टम में, स्कूलिंग मेरी यहां हुई, दलितों के बारे में एक लाइन, हां भाई
अनटचेबिलिटी होती थी, मगर उनका दर्द, उन पर जो अत्याचार हुए, उनका जो अपमान हुआ, उनका जो इमेजिनेशन था, उनकी जो सोच थी, उनकी जो साइंस थी, उनकी जो फिलॉसफी थी, उसके बारे में कितना था? एक लाइन। आपने ओबीसी शब्द प्रयोग किया, अदर बैकवर्ड कास्ट, क्या यह आपका नाम है? ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट मतलब, हां वो दूसरे पिछड़े लोग। किसने कहा कि आप पिछड़े हो? किस बेसिस पे कहा? आप इस देश को चलाते हो, आपका खून पसीना से ये देश चलता है, आपका जो हक है वो आपको मिलता नहीं है। आपकी हिस्ट्री कहां है? जिन लोगों ने इस देश को बनाया, जो किसान मजदूर, बढ़ई, नाई, मोची, इनकी हिस्ट्री कहां है? कहां लिखा है? फाड़ दिया गया। जैसे कि हिंदुस्तान के 90% लोग, 90% लोग हैं ही नहीं। मतलब आप छुपे हुए हो। हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट्स में देखिए आप, 250 कॉर्पोरेट्स की मैंने लिस्ट निकाली, कहां मैं देखता हूं भाई 90% आबादी में से यहां कितने हैं? 250 सबसे बड़ी कॉर्पोरेट्स में, मालिकों में, सीईओज में, सीनियर मैनेजमेंट में, आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। करेक्ट? मैं यहां झूठ बोलने थोड़ी आया हूं। हलवा बांट रहे हैं वही, हलवा खा रहे हैं वही। अब उसमें एक और बात है, उसमें बेचारे गरीब जनरल कास्ट के भी लोग हैं, 5-7%, उनको भी हलवा नहीं मिल रहा। आप ब्यूरोक्रेसी में देखिए, बहुत अच्छा लगा आपने 90 में से 3 की बात की, 90 में से 3 ओबीसी, 3 दलित, 1 आदिवासी। दलित की आबादी 15%, आदिवासियों की आबादी 8%, ओबीसी की आबादी कोई जानता नहीं है, कोई नहीं जानता। हम कह सकते हैं कि तकरीबन 50%। क्योंकि आपकी संख्या छुपानी है, बड़ा खतरनाक काम है। अगर ओबीसी को अपनी सच्ची संख्या पता लग गई, नब्बे में से 3, 50% आबादी, 90 में से 3, और अगर हिंदुस्तान की सरकार में 100 रुपए खर्च होते हैं तो 50% को 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय लेने का मौका मिलता है। 3 अफसरों को पीछे बैठा रखा है। आपको कोई ओबीसी, दलित, आदिवासी फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं मिलेगा, डिफेंस मिनिस्ट्री में, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगा, पीछे बैठा हुआ है। 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय ओबीसी अफसर लेते हैं, 100 रुपए में से 1 रुपए का निर्णय दलित अफसर लेते हैं, और 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय आदिवासी अफसर लेते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो 90% के लोग 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेते हैं।
बॉलीवुड की बात करिए, बॉलीवुड में आपको दलित आदिवासी ओबीसी नहीं दिखेगा। नाच गाना चल रहा है, गाने बज रहे हैं, डांस हो रहा है, मगर 90% का कोई वहां नाच नहीं रहा। सच्चाई है ये। राष्ट्रपति आदिवासी वर्ग की हैं, पहली बार राष्ट्रपति जी को आदिवासी वर्ग से बनाया गया। मगर जब पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है तो उन्हें कहा जाता है कि आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकते हैं। और उन्होंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति हैं। राम मंदिर धूमधाम से राम मंदिर का उद्घाटन होता है, राष्ट्रपति जी से कहा जाता है आप आदिवासी हैं, आइए मत। अंबानी को बुलाया जाता है, अदानी को बुलाया जाता है, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी से कहा जाता है आप नहीं आएंगे, आपकी जगह नहीं है। अगर यह संविधान पर आक्रमण नहीं है कि राष्ट्रपति जी पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन नहीं कर सकती तो क्या है? Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.